हेलो स्टूडेंट्स आज से हम टेडोफाइट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि आपके दूसरे पेपर में है इस सेक्शन में यू विल बी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स वन इज द जनरल करेक्टर्स और जनरल फीचर्स ऑफ टेडोफाइट क्लासिफिकेशन Stellar system, economic importance, one fossil plant that is the Rhynia, and three more plants we will study in details. One is Slaginella, second is Equistum, third is teres. Students, you see the images or photos in this slide. These are the four images of different thallophytes. And as per your syllabus, you will be studying three plants. That is, one is the Selaginella, second is equistum third is teris And this image that is the Dryopateris is not studied in their syllabus. Second, the, these are also the images of different plants. This is the Rhynia. You will also study in your syllabus. Lycopodium. Seraginella. You will also study these plants. Equistum. This is also, you will also study. इन दिलेबस टेरिस आल्सो स्टड्डी इन योर सिलेबस आइडेंटियम एंड मार्सीलिया स्टूडेंट्स फर्स्ट वील स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन्स टैडोफाइट टैडोफाइट द नेम्स वॉज ओरिजिनली गिवन to those groups of plants which have well developed pinnate or frond like leaves tridophytes are cryptogams which have well developed vascular tissue therefore these plants are also known as vascular cryptogams vascular cryptogams pteridophytes represented by about 400 living and fossil genera and some 10,500 species paleobotanical studies reveal that these plants were dominated on the earth during the devonian period and they originated about 400 million years ago in the Silurian period of the Paleozoic era. General characters Majority of the living tridophytes are terrestrial and prefer to grow in cool, moist, and sandy places. एग्जाम्पल फर्म्स सब मेंबर्स आर एक्वेटिक एग्जाम्पल मार्सिलिया अजोला जीरोफिटिक एग्जाम्पल इक्विस्टम और एपिफिटिक एग्जाम्पल लाइकोपोडियम स्क्यूरेसम मेजोरिटी ऑफ द टाइडोफाइट आर हर्बिशियस बट इफ यू आर परेनियल एंट्री लाइक एग्जाम्पल एंजियोपेटेरिस समॉलेस्ट टायडोफाइट इज एजोला दैट इज एन एक्वेटिक फर्म एंड लार्जेस्ट इज साइथिया ट्री फर्म प्लांट्स एग्जिबिट डोरसिवेंटल और रेडियल सिमेट्री students plants exhibit dorsivental or radial symmetry plant body of tracheophytes are sporophytic and can be differentiated into root, stem and leaves roots are adventitious in nature With monopodial or dichotomous branching. Internally, they are usually diarge. Stem is usually branched. Branching is monopodial or dichotomous. Branches do not arise in the axil of the leaves. In many tridophytes, stem is represented by rhizome. सिंपल थिन स्केली मीन्स माइक्रोफिलस एग्जाम्पल इक्विस्टम दैट इज ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ लीव सिंपल एंड सेसाइल इन सरेजनेलाट दैट इज दिस टाइप ऑफ लीवज और लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड मैगाफिलस एग्जाम्पल ड्रायोपेटेरिस ट इज दिसम वैस्कुलर टिश्यू इज प्रजेंट इन स्टेम एंड रूट इट कंसिस्ट ऑफ जायलम एंड फ्लोयम जायलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स ओनली जायलम में सिर्फ ट्रैकिड्स होता है एंड फ्लोम में सिर्फ सीव ट्यूब होती है वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर इन टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट में जो स्टील है वो साइफोनो वो प्रोटोस्टील है एग्जाम्पल राइनिया एंड लाइकोपोडियम कुछ टाइडोफिटिक प्लांट्स में स्टील साइफनोस्टील है एग्जाम्पल इक्विस्टम कुछ में डिकट स्टील है एग्जाम्पल टेरिस एडेंटियम। कुछ में पोलीसाइकिल एग्जाम्पल एनजियोपेटेरिस तो स्टूडेंट्स जो ये टर्म्स हैं प्रोटोस्टील साइपनो स्टील डिकटायल स्टील पोलिसकलिक स्टील्स इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम में तो इन द नेक्स्ट वीडियो कैमियम हैंस दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम्पल है टाइडोफाइट में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है एग्जाम्पल है आइसोइट्स। टैडफेटिक प्लांट्स में भी होमोस्पोरस मीन प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स एग्जाम्पल इक्विस्टम टेरिस और हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स एंड लार्जर मेगा स्पोर्स एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि होमोस्पोरस का कोई एग्जाम्पल बताइए हेट्रोस्पोरस का कोई एग्जाम्पल बताइए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन्स इन द ट्राइडोफाइट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम मे बी लेप्टोस्पोरेंजिएट मींस लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब स्पोरेंजियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल सिंगल इनिशियल्स और यू स्प्रीजियम डेवलप्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स ये दो टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट है जो अक्सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वन मार्क्स से क्वेश्चन मारती रहती है स्पोरिजियम में बी बोर्न आइदर ऑन स्टेम दैट इज दिस आइदर ऑन द स्टेम लीव्स ऑन द स्टेम दे मे बी टर्मिनल एग्जाम्पल राइनिया और लेटल लाइकोपोडियम में यूसी हेयर ऑन द लीव्स स्पोरो मीन्स जो जिन लीव्स के अंदर स्पोरजिया प्रोड्यूस होते हो डेवलप होते हो उन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं दे मे भी वेंट्रल वेंट्रल भी हो सकती है वेंट्रल लीफ के वेंट्रल साइड में मार्जिनल एग्जाम्पल टेरिस जिसको आप सिलेबस में पढ़ोगे और डोरसल पोलिपोलिय में इन इक्विस्टम में जो स्पोरेंजिया है आर बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कार स्पोरेंजियो फोर्स दैट इज दिस यू सी हियर स्ट्रक्चर दैट इज दिस यू सी हियर स्ट्रक्चर दैट इज दिस स्पोरेंजियो फोर स्पोरेंजियो विच कंस्टिट्यूट ए कॉन जो ये कॉन आपको दिख रहा है दैट इज दिस इन मार्सिलिया अजोला साल्विनिया Sporangia are produced in sporocarbs, that is, this sporocarbs. Spores on germination give rise to multicellular gametophytic bodies called the Prothalli that is, the plural or singular, that is, the prothallus. In homosporous diodophytes, Prothalli are monoceous, that is, student this, this, this. इन होमोस्पोरस टाइडोफाइड्स प्रोथेलाई आर मोनोसियस मीन्स एंथ्रीरिया एंड आर्कीगोनिया डेवलप ऑन द सेम प्रोथैलस बट जो हैट्रोस्पोरस स्पीसीज है उनके प्रोथेलाई जो है वो डायोशियस होंगे मीन्स माइक्रोस्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस मेल प्रोथेलाई एंड मेगा ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस फीमेल प्रोथेलाइट गैमेटोफाइट में बी एग्जोस्पोरिक मीन्स स्टूडेंट्स ये ट्रम है इम्पोर्टेंट एग्जोस्पोरिक मीन्स ग्रो अपॉन सोयल एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट्स एग्जाम्पल टेरिस गैमेटोफाइट में बी एंडोस्पोरिक मीन ग्रो फॉर मोस्ट पार्ट विद इन स्पोरवाल स्पोरवाल मोस्ट पार्ट विद इन द स्पोरवाल उसका अधिकतर डेवलपमेंट है वो स्पोरवाल के अंदर होता है एग्जाम्पल एग्जोस्पोरिक गेमिटोफाइट फोर्म्ड फ्रॉम होमोस्पोरस फोर्म आर स्मॉल डेलीकेट थैलाइड ग्रीन फोटोसिंथेटिक दैट इज दिस example terris in some form prothalli may be non green and non and grow subterranean non green and grow subterranean in soil example silotum psi these prothalli are usually saprophytic endosporic gametophytes formed from heterosporous forms are much reduced they get nutrients from reserve food stored in spores anthridia and archegonia are developed on prothallae that is this anthridia archegonia also this developed on prothallae Anthridium is surrounded by single layer style jacket single layer style jacket आर्कीगोनियम कंसिस्ट ऑफ फोर वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स वन से लेकर के वन टू टू एक से दो नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल एक एंड ए सिंगल एग एंथ्रोजोइड्स आर यूनिसेर बाईफ्रेजिलेट एग्जाम्पल सीला और मल्टी फ्रेजिलेट एग्जाम्पल इक्विस्टम एंड Fern and motile anthrozoites are attracted towards the neck of the archegonium, that is, this neck of the archegonium chemotactically by certain substances, example, or the like that is malic acid, present in the mucilaginous substances formed by the degeneration of neck canal cells and ventral cells that is this so in neck this neck jo dikh rahi hai, that is empty neck which is produced by the dissolution of neck canal cell and ventral cell and after the dissolution produced a mucilaginous substances which

Fertilization results in the formation of zygote or ovospore which ultimately develops into well developed sporophyte. Development of embryo may be endos endoscopic, example Lycopodium, Slaginella, exoscopic, example Equisetum, and lateral, example There is student. That is three types of डेवलपमेंट ऑफ एम्बरियो एंडोस्कोपिक, एक्जोस्कोपिक, लेटरल एंडोस्कोपिक का जो एग्जाम्पल बताया दैट इज लाइकोपोडियम और स्लजनेला जो आप पढ़ोगे एक्जोस्कोपिक का एग्जाम्पल एक इक्विस्टम जो आप अपने चैप्टर में नेक्स्ट जो प्लान पढ़ेंगे इक्विस्टम के में लेटरल एग्जाम्पल टेरिस जिसको भी आप पढ़ोगे एंडोस्कोपिक होता क्या है एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है जिसके अंदर एक्सिज ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नेक, अवे फ्रॉम नेक गैट इज एग्जोस्कोपिक स्टूडेंट अगेन लिसन यार एग्जोस्कोपिक सॉरी एंडोस्कोपिक दैट इज द एक्सिज ऑफ एम्बरियो डायरेक्टेड इनवर्ड्स अवे फ्रॉम आर्कीगोनियल नेक एग्जोस्कोपिक के अंदर एक्सिज ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टेड आउटवार आर्किगोनियल नेक जबकि जो लेटर में एक्सीज ऑफ एम्ब्रियो इज एट राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सीज ऑफ आर्किगोनियम जो फर्टिलाइज एग है मीन्स एग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डिवाइस ट्रांसवरिजली और वर्टिकललीसवाल फॉर्म ए क्वाड्रेंट स्टेज प्रोड्यूसिंग स्टैम लीप फुट एंड रूप प्लांट सो है्रोमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस टाइडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है इस प्रोरोपिटिक है एंड फॉर्म्स ए डोमिनेट फेज इन देयर लाइफ साइकिल जबकि प्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक डोमेंट होती थी उनकी लाइफ साइकिल में लेकिन टाइडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिटिक जो फेज है फॉर्म है वो डोमिनेंट है इन टाइडोफिटिक की लाइफ साइकिल में स्टूडेंट जनरल कलेक्टर्स खत्म हुई इन दंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्टीलर सिस्टम थैंक यू